हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 77 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 57 रुपए 53 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 54 रुपीज 40 पैसे का। 54 रुपीज 40 पैसे स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 69 रुपीज पर, जो रेड कलर की ओरिजेंटल लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज का काम कर रहा है। स्टॉक काफी समय से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर ऊपर में 68 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहेगा और नीचे में जो एक रुकावट रेंज है या सॉरी सपोर्ट लेवल है वो 54 रुपीज पर नीचे है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं जो जो ग्रीन कलर की नेक लाइन है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें अराउंड 54 रुपीज पर, ऊपर के टारगेट अराउंड 62 रुपीज शॉर्ट टर्म के लिए और 68 रुपीज लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में एक बार 60 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऊपर में स्टॉक काफी समय से 60 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, इसलिए अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।